अनुराग पांडे, ना मैं ठेकेदार, ना मैं इंजीनियर और ना ही मैं क्लाइंट, लेकिन आप सबके लिए जो बनना हो जरूर बनूंगा। अभी हमारे जस्ट ऑफिस के बगल में हमें मिला एक नया प्लॉट, और प्लॉट का मतलब है आपके लिए और भी ज्यादा लर्निंग। तो हम पहुंच गए इस प्लॉट पे आपके लिए वो सारे नॉलेज लेके जो आपको एक रियल इंजीनियर जरूर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक पर्सन को जरूर बुलाना चाहूंगा, और वो कौन होंगे? वो होने वाले हमारे गुरुजी। लेकिन उन्हें बुलाने का कुछ तरीका है मेरे पास शायद, तो एक बार बुला के देखते हैं क्या वो आते हैं। गुरुजी पांडे जी, क्या हालचाल होगा? पैसे वाले तुम तो यार, बड़ी पच्ची प्लॉट लियो। तो आज हम बात करेंगे उसकी जो समझ में आएगा सबकी। ना इंजीनियरिंग की बात करेंगे, ना ठेकेदारी की बात करेंगे, ना कॉमन लैंग्वेज की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मुद्दे की। तो मुद्दे की बात सबसे पहला ये है कि पांडे जी, क्या प्लॉट साइज है आपका? सर 5000 स्क्वायर फीट में है ये। अरे 5000 स्क्वायर फीट तो समझ गया, इसका डायमेंशन क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है इसकी? 100x50। नहीं पांडे जी, आपका प्लॉट 50x100 है। समझे? क्या समझे? कि मेरा प्लॉट 100x50 है। अरे नहीं भाई, 50x100 है, 100x50 नहीं है, 50x100 है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको 100x50 बोले या 50x100 बोले, दिख तो सेम रहा है। अरे भाई साहब, प्रमोद पांडे या पांडे प्रमोद, दोनों सेम है क्या? नहीं, नाम ऐसे थे ना, प्रमोद पांडे, सरनेम बाद में आता है, नाम पहले आता है, ऐसा तो नहीं बोलते? और पांडे प्रमोद क्या हालचाल है बोलते ना। उसी तरीके से जो हमारी लंबाई होती है उसको पहले कहा जाता है 50 फीट, और जो हमारी चौड़ाई होती है, जो दूसरा डायमेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड टाइम पे। तो सबसे पहले हम लंबाई की बात करेंगे जो आपके पास 50 फीट है, और गहराई जो आपकी चौड़ाई की बात करेंगे वो आपकी 100 फीट है। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरी जो जमीन है वो कहां से कहां तक 50 फीट की है? अच्छा देखो, इसके लिए पांडे जी सबसे पहला तो आप पटवारी को कॉल कर सकते हो, पटवारी को बुलाओ और उसको सीमांकन कहना कहते हैं कि वो एज पर जो ड्राइंग जो आपके लेआउट ड्राइंग पे होता है, गवर्नमेंट के रजिस्ट्री ड्राइंग पे होता है, उसके हिसाब से आपको आपके आउटर प्लॉट का साइज दे देगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपके नियरेस्ट प्लॉट से रेफरेंस लेना होता है। अब ये मान सकते हो आप, जैसे कि आपके सामने रोड है, अब रोड यदि 30 फीट की रोड है, तो जो सामने वाले ने घर बनाया है, जो उसने बाउंड्री वॉल बना दिया है, वो उस फेस से आपको 30 फीट छोड़ना है। हम ये मान के चल रहे हैं क्या कि उन्होंने जो बाउंड्री वॉल बनाया है वो अपने प्लॉट के आउटर फेस पे ही बनाया है। 30 फीट की रोड है, उसके बाद से हमारी प्लॉट चालू है, तो उसके एक रेफरेंस हम वहां से ले आएंगे। और वैसे ही आपको बाजू में दिख रहा है कि एक घर बना हुआ है, और वो घर और आपके प्लॉट के बीच में कोई दूसरा जमीन नहीं है, मतलब उस घर का आउटर फेस ही आपके लिए इनिशियल पॉइंट है। तो दो रेफरेंस हो गया आपके पास, एक रोड के अपोजिट साइड वाला, और दूसरा आपके बिल्डिंग के जो आपके नेबर है, चाहे लेफ्ट साइड के नेबर हो, चाहे राइट साइड के नेबर हो, चाहे बैक साइड के नेबर हो, जहां से भी नेबर होंगे, वो आपको दूसरा रेफरेंस हो गया। इन दोनों रेफरेंस को हम पहले इनिशियल पॉइंट मानते हैं, क्योंकि अब ये शिफ्ट नहीं हो सकते। अब ये शिफ्ट नहीं हो सकते, जो आगे के जमीन है वो तो मे भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा गवर्नमेंट की जमीन में घुस जाए, हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। तो हमको ये दो रेफरेंस मिल गया, इस दो रेफरेंस पॉइंट से हम अपना तीसरा रेफरेंस पॉइंट निकालते हैं, देखते हैं उसको कैसे। मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से, आप प्लीज मेरे गणवेश में न जाना कि मैं चप्पल पहन के क्यों घूमता हूं यार। देखो हम 24 घंटा काम करते हैं, तो जिसमें हम रिलैक्स होके आप लोग के लिए कंटेंट बना सके, हम उस वेशभूषा में रहते हैं, तो प्लीज आप कंटेंट पे ध्यान देना। तो चलिए हम लेआउट को समझते हैं, हमारे आउटर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमको ये पता है हमारे पास 30 फीट का रोड है, 30 फीट के रोड के लिए आपके जो सामने वाला घर है, हमें मान के चल रहे हैं वो अपने प्लॉट में ही बनाया हुआ है, तो वहां से हमने 30 फीट आउटर लिया। आपको रोड एंड पे 30 फीट लेना है, 30 फीट आउटर ले लिए, जब एंड का पोर्शन है तब के बाद, यदि एंड पोर्शन नहीं है, रनिंग रोड है, उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी हम एंड पोर्शन की बात करते हैं, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। आउटर से 30 फीट लिया, वहां पे एक पॉइंट आ गया, वो पॉइंट क्या हो गया, आपके बिल्डिंग का इनिशियल पॉइंट हो गया, हम उसको मान के जा रहे हैं क्योंकि और जगह है ही नहीं। फिर उस पॉइंट से आपको टेप लाना है, एक रैंडम टेप आपको दूसरे साइड पे, कितने दूर खड़े हो जाओ, क्यों, क्योंकि हमारे पास डायगोनल क्या होगा, हमारे पास ये 50 फीट हमारा फ्रंट है और 30 फीट हमारा रोड है, तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम 50x30 का। ये ट्रायंगल का दो डायमेंशन हो गया, ये हम इसको मान लिए परपेंडिकुलर और 30 फीट का बेस, तो हमारा डायगोनल क्या होगा, जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम कर्ण कहते हैं हिंदी भाषा में। तो जब लंब और आधार है तो हमारा कर्ण क्या होगा, जब हमारा परपेंडिकुलर और बेस है तो हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा। उसके लिए 50 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट करते हैं, तो हमारा जो हाइपोटेनियस आता है वो आता है 58 फीट और 0.3 फीट आता है, तो 0.31 फीट को हम करीब करीब 4 इंच कह सकते हैं।
तो 58 फीट 4 इंच में एक टेप पकड़ के वहां पे एक आदमी खड़े करवा दो, वही टेप जो वहां से जीरो पकड़ के स्ट्रेट लाओ, यहाँ पे 58 फीट 4 इंच पे एक आदमी खड़े हो जाए। लेकिन अभी वो तो कहीं भी खड़े हो सकता है, वो तो तिरछा कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी मूव हो सकता है वहां से। लेकिन उसको फ्रीज करने के लिए आपके पास 50 फीट का फ्रंट है जिसको हम परपेंडिकुलर माने थे, फिर तो 58 फीट में 50 फीट और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 108 फीट 4 इंच। तो वहां पे उसी टेप का 108 फीट 4वां इंच पकड़ के जो हमने 30 फीट पे मार्क किया था वहां पे एक आदमी को खड़े कर दो। अभी आपके पास दो पॉइंट फिक्स है, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, हमको तीसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो इनिशियल और एंड पॉइंट फिक्स होने के बाद अब यहां पे जो आदमी है इसको बोलो जो 58 फीट 4 इंच पे पॉइंट पकड़ा था ना उसको खींचे, उसको खींच के पकड़े। जब ऐसा कोई पॉइंट आएगा जब दोनों साइड से वो फिक्स हो जाएगा, मतलब दोनों साइड जब टेंशन में होंगे, क्योंकि वो एक ही पॉइंट होगा, जब एक साइड आप मूव करोगे तो दूसरे साइड का ढीला हो जाएगा और इधर मूव करोगे तो पहले साइड का ढीला हो जाएगा, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा हमारा सही। हमको टेप पकड़ के इतना खींचना है उसको हमारे उंगली में दर्द हो जाए और वो दोनों जो 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 टेप है ये दोनों टेंशन में रहो, दोनों टेंशन में रहे, वहां पे आप प्लंब अप गिराओ, वो जो पॉइंट आएगा ना वो आपका आउटर पॉइंट है, एज पर द गुनिया रूल कहते हैं, राइट एंगल रूल, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हो, उससे हम ये पॉइंट निकालिए। हमको अभी सिर्फ हमारे आउटर पॉइंट से मतलब है, ये इसने यहाँ पे रॉड क्यों डाले हैं, कंक्रीट क्यों डाले हैं, इसके हम आगे बात करेंगे। आओ आगे चलते हैं। जब हमने ये रॉड आइडेंटिफाई किया तो अब हमको ये चेक करना होता है यही पॉइंट कि वो जो सीमांकन वाला था उसने दिया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमने गलत पॉइंट निकाल लिया, यदि सीमांकन वाले ने भी यही पॉइंट दिया है तब आपका पॉइंट सही है। तो पांडे जी समझ आया ये कॉन्सेप्ट? थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर ये तो सिर्फ अभी हमारे फ्रंट के ही दो हुए। हाँ जी, लेकिन अभी बैक के तो इतने सारे बचे हैं, वो कैसे कैलकुलेट करें? अरे यार एक बार चावल बनाना सीख गए तो दूसरी बार भी तो चावल वैसे ही बनेगा, दो पॉइंट से तीसरा पॉइंट निकालना है। चलो बताता हूँ अब आपको। तो पांडे जी हमको निकालना है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस, आओ अंदर बताता हूँ। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, कैमरामैन साहब एक बार आप वो एंड वाला पॉइंट दिखा दो, वो हमारा पहला पॉइंट था, अब हमको वहां पे हमारा दूसरा पॉइंट कहीं निकलेगा, हमको नहीं पता अभी हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, लेकिन हमने पहला और दूसरा पॉइंट निकाल रखा है, हमको पीछे वाला पॉइंट निकालना है। तो क्या करो, इनिशियल पे जीरो पकड़वा दो, इनिशियल पे जीरो पकड़वा दो, हमारा हाइपोटेनियस कितना आया अंडर रूट 100 स्क्वायर + 50 स्क्वायर करके 111 फिट 10 इंच, 111.81 आया है हमारे पास, उसको बोलेंगे 111 फिट 10 इंच। तो वहां पे जो आदमी टेप पकड़ के खड़ा रहेगा वो मार्किंग होगा 111 फीट 10 इंच में वो टेप पकड़ के खड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन वहां तो कुछ भी पॉइंट हो सकता है, वो तिरछा हो सकता है, तो उसको दूसरा पॉइंट में टाइट करवाने के लिए जो आपका परपेंडिकुलर है 100 फीट और ऐड करवा दो, क्योंकि तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है। तो अभी क्या करना है हमको, कैमरामैन साहब वहीं खड़े रहेगा, मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन देता हूं कि उस पॉइंट से जो इनिशियल पॉइंट है वहां से टेप आना चाहिए मेरे पास 111 फीट 10 इंच में पकड़ूं, और यहां से स्ट्रेट जो हमने पहला पॉइंट निकाला था वहां पे एक आदमी जो पॉइंट लेके खड़ा रहेगा वो पॉइंट होगा 211 फीट 10 इंच। अब मैंने जो 111 फीट 10 इंच में टेप पकड़ा हुआ है तो मेरे को ऐसा टेप पकड़ना है कि दोनों साइड से टाइट हो जाए, और हमेशा याद रखना इसमें प्लास्टिक टेप प्रोहिबिटेड है, प्लास्टिक टेप यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक टेप थोड़ा खींचने से बढ़ जाता है, यहाँ पे आपको स्टील टेप ही यूज करना चाहिए तब एक्यूरेसी आती है। आपने पॉइंट खींचा, जिस पॉइंट पे वो आएगा, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर आएगा वही पॉइंट आपका आउटर पॉइंट होगा। सेम वैसे ही अपोजिट साइड के लिए भी, उस समय आप दोनों आदमी को मत हिलाओ, उन दोनों आदमी को मत हिलाओ, आप खुद हिल जाओ। तो क्या होगा, आपने जीरो पकड़वाया है इस साइड, तो आपके पास परपेंडिकुलर है 100, तो आप 100 पे टेप पकड़ो और इस वाले को 211.8 भी पकड़ेगा क्योंकि अभी हाइपोटेनस ही हो गया जिसको हम कर्ण बोल रहे हैं। तो अब जब हमको ये वाला स्ट्रेट पॉइंट निकालना है तो उसके लिए कैमरामैन थोड़ा और आगे आ जाओ, तो उस कंडीशन पे आप इस स्ट्रेट वाले से, उस स्ट्रेट वाले से आप यहां पकड़ोगे 100 फीट पे और हाइपोटेनियस वाले को पकड़ाओगे 211 फीट 10 इंच पे। आप 100 फीट पे पकड़ो, खींचो टेप को, जिस जो आप आउटर पॉइंट आएगा वो उसको हम गुनिया पे राइट मानेंगे, पहला कंडीशन। लेकिन आपका यहां पे घर बन चुका है, आपका यहाँ पे घर बन चुका है, तो इस घर को ही हम रेफरेंस लेंगे हमारे परपेंडिकुलर लाइन के लिए। रीजन, अब इस घर को हम नहीं हिला सकते ना, हम इस घर को नहीं हिला सकते, और यदि इस घर और आपके घर के बीच में कोई जमीन एक्स्ट्रा नहीं है तो आपको इसी घर को रेफरेंस लेके चलना होगा, इस घर को मानना होगा कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। यदि आपका सिंगल फेस में घर बना है तो इसको परपेंडिकुलर मानोगे तो आपका भी घर इसी के पैरेलल
सही गुनिये पे सेट होते जाएगा। हो सकता है आपका जमीन थोड़ा सा 2-4 इंच 1-2 इंच के आसपास उधर से डिफरेंस हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्लास्टर करते वक्त सही अजमाया होगा या इनिशियल कंडीशन में सही रखा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि पहला वाला जो कंडीशन है वो फ्रीज है, क्योंकि अब इसको जैक लगा के नहीं लाया जा सकता। हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि दिखने में हमारा अंदर का लेआउट अच्छा रहे, पहला कंडीशन। और बाकी तो हमने लेआउट करना सीखा ही कि कैसे हमको एक्चुअल में हमारा गुनिया निकालना है। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जब आपका दोनों डायरेक्शन में बिल्डिंग हो, आपके प्लॉट पे लेफ्ट साइड तो घर है ही और बैक साइड भी घर हो जाए, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो दोनों राइट एंगल पे होंगे। इट इज नॉट कंपलसरी और होते भी नहीं। लोगों ने ना जाने कब कब बनाया है, किस किस सदियों में बनाया है, तो दोनों का एंगल राइट एंगल होगा, इट इज नॉट कंपलसरी। तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से एक ही वॉल को, चाहे किसी भी वॉल को, जो वॉल आपको लग रहा है यार कि आपके बिल्डिंग के थोड़ा सा पैरेलल हो सकता है, उस वॉल को ही आपको बेस मान के चलना है, जिसको हम राइट एंगल बोलेंगे। उस वॉल के रिफरेंस में हम अपना वॉल लेंगे, और जनरली हम उस वॉल को ही मेन मानते हैं, उस वॉल को ही हम रेफरेंस लेते हैं जिस प्लॉट के कॉर्नर पे हमारे बिल्डिंग का वॉल कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि हम चारों अपने प्लॉट में चारों साइड तो जमीन छोड़ते नहीं, हम बेसिकली पीछे साइड जमीन छोड़ते हैं या जिस साइड ईस्ट साइड से जमीन छोड़ते हैं ताकि सूरज उरज आए, हवा थोड़ा सा अंदर आए। कोई एक फेस होता है जो हमारे वॉल दूसरे घर के वॉल के एकदम पैरेलल होता है, मतलब कनेक्ट होता है, जो कह सकते हैं हमारे प्लॉट का आउटर लाइन पे होता है, उस वॉल को हम 90 एंगल मान के चलेंगे, क्योंकि उसी के रिफरेंस में हमारे अंदर के प्लॉटिंग होगा, जिससे कि हमारे रूम का साइज में टाइल्स में वो खराबी ना दिखे, जो जिसको बदगुनिया बोलते हैं, नॉट राइट एंगल कहते हैं। उस कंडीशन पे हमारे रूम का टाइल वेल अच्छे दिखे, इसलिए हमको एक वॉल को रिफरेंस मान के चलना होता है। अब बात करते हैं ये जो फुटिंग्स के पॉइंट्स देख रहे हैं उसको कैसे निकाला जाता है। हमने चारों साइड के आउटर पॉइंट्स तो निकाल लिए, तरीका क्या था, दो पॉइंट से हमने तीसरा पॉइंट निकाला, दो पॉइंट हमको रिफरेंस में लेना ही पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिना दो पॉइंट जो पहले से फिक्स्ड हो उसके बिना हम अपना तीसरा पॉइंट नहीं निकाल सकते, विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। एक्स्ट्रा रिसोर्सेस क्या कहना चाह रहा हूँ, जब आप टोटल स्टेशन मंगाते हो, टीएस से लेआउट करवाते हो, तो उस कंडीशन में आपको जरूरी नहीं कि आपके पड़ोसी में प्लॉट हो तो चलेगा, आप कहीं से भी कोई भी रेफरेंस पॉइंट होगी गवर्नमेंट के लेआउट पे होता है, जो भी तीसरा चौथा पांचवा दसवां गवर्नमेंट वाला जो भी बता दे भैया ये वाला पॉइंट से रिफ्रेश लो, उस वाले पॉइंट के रेफरेंस से आप अपनी प्लॉट का साइज बना सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा टीएस महंगा हो जाता है, आपको एक पॉइंट के लिए वो 400-500 रुपये चार्ज कर लेता है, जो कि अच्छा भी है लेकिन उसकी एक्यूरेसी भी हम नहीं मानते जब तक पटवारी हमको सीमांकन करके ना दे। पटवारी का सीमांकन बहुत जरूरी होता है अपने प्लॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए, नहीं तो कल के दिन आप पता चला नगर पालिका वाला आया और बोला भैया बिल्डिंग तोड़ दो, आपने गवर्नमेंट के जमीन को हड़प लिया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा काम नहीं है कंस्ट्रक्शन का, हम सिविल इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो इस इंडस्ट्री में जाके ग्रो कर सके। लेकिन आज भी ऐसा बहुत सारे, हमने ज्यादा इंजीनियर्स को ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किया यार, पिछले 4 सालों में करीब करीब 50,000 और कुछ इंजीनियर्स जो आज हैं जो हमसे ट्रेंड है, हम ये कहने पे बहुत अच्छे से सक्षम है कि इंडिया के हर एक शहर में सिविल इंजीनियर अवेलेबल है। जिसको इंजीनियरिंग सीखनी है कि कैसे एक सिविल इंजीनियर जाके इस इंडस्ट्री में परफॉर्म कर सकता है, वो हमारी ट्रेनिंग को मॉड्यूल ज्वाइन करे, वहां से वो आसानी से सीख सकता है। ये जो हम कुछ वीडियोज बनाने के प्लान कर रहे हैं ये उनके लिए जो क्लाइंट हैं, जो अपना घर बनवा रहे हैं और जिनको भरोसा नहीं है ठेकेदार के चमत्कार पे, तो ठेकेदार के चमत्कार पे डिस्कशन करने के लिए आपको सॉलिड रीजन दूंगा मैं कि किस लिए आपको कैसे सवाल करना है अपने ठेकेदार से। और ठेकेदार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको रेट नहीं जम रहा है काम करने का, तो आप अपने क्लाइंट से बात करो, क्योंकि वो जीवन भर का पूंजी वन टाइम लगा रहा है यार। एक बार बनने के बाद दुनिया बाद में ठीक नहीं होती, हड्डी एक बार बन गया, 9 महीना यदि माँ ने केयर किया अपने बच्चे का पेट के अंदर, तभी उसका बच्चा आगे आने वाले समय पे दुनिया को जीत सकता है। लेकिन यदि स्टार्टिंग पे 9 महीने ही माँ ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया पेट के अंदर, तो पैदा होने के बाद उसको संस्कार से ही सुधारा जा सकता है, लेकिन जो कि रियल में पॉसिबल नहीं होता। कई बार एक ही घर में दाऊद इब्राहिम भी निकलता है और उन्हीं फैमिलीज में से कुछ एपीजे अब्दुल कलाम भी निकलते हैं। तो तरीका एक ही है, पेट के अंदर ही संभाल लें, तो कंस्ट्रक्शन को बनते हुए जो उसका रेनफोर्समेंट है, कंक्रीट है, इसके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, यदि हमने उस पर अच्छे से ध्यान दे दिया, तो दुनिया पे कभी भी आपके बिल्डिंग्स में कोई भी क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि नियरेस्ट ही देख सकते हो आप, ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है। ये जो क्रैक्स हैं ये क्रैक्स परमानेंट है, अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि माइनर सेटलमेंट ऑफ कॉलम्स रीजन, यदि सॉइल का टेस्ट नहीं हुआ है तो कॉलम्स फेलियर होते हैं। माइनर सेटलमेंट पे ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, ये क्रैक्स बहुतों की बिल्डिंग पर ऑलमोस्ट हर जगह देखने मिल जाएगा, लेकिन इन सब को भी बचाया जा सकता है आपके अवेयरनेस से। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले समय पे हमारे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।